हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने दाँत का खुजली से बहुत ही आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, जब भी आपके शरीर पर दाँत का खुजली होती है तो आपके शरीर पर फैलती रहती है, क्योंकि उसके अंदर खुजली होती है तो आप उसमें कंटिन्यू खुजली करते रहते हैं, जिस कारण वो आपके शरीर पर फैलती रहती है और जिससे आपका वो पार्ट जहाँ पर भी वो दाँत खुजली हुई है वो बहुत ही गंदा हो जाता है और जिसका सोल्यूशन करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। आप बहुत सारी दवाइयाँ ट्राई करते हैं, बहुत सारी क्रीमें या फिर लोशन ट्राई करते हैं, जिससे आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिलता है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए ऐसा नुस्खा तैयार करने वाले हैं जिसके इस्तेमाल से आप डेफिनेटली अपने दाँत का खुजली के प्रॉब्लम से बहुत ही आसानी से छुटकारा पा लेंगे। दोस्तों, इसके लिए आपको इसको नुस्खे को एंड तक देखना होगा ताकि जो भी हम बातें इसमें बताने वाले हैं उनको आप समझ के इस नुस्खे को बना के इस नुस्खे को ट्राई कर सकें, ताकि आपकी ये प्रॉब्लम बहुत ही ईजिली सॉल्व हो सके। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं आपके लिए नुस्खा और बताते हैं कैसे आपको इसको ट्राई करना है, मतलब कैसे आपको इसको इस्तेमाल करना है। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है दोस्तों कपूर। ये पूजा वाला कपूर है, जैसे कि आप जानते ही होंगे ये पूजा वगैरह में इस्तेमाल होता है। आपको करना है कि एक कपूर लेकर उसको चूरा कर लेना है। ये देखिए गाइस, मैंने कपूर ऐड कर लिया है, अब मैं इसको चूरा कर लेता हूँ अच्छे तरीके से। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे चूरा कर लिया है, ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। आपको उसको बिल्कुल बारीक पीस लेना है। अब दूसरी चीज़ जो आपको इसके अंदर ऐड करनी है वो है दोस्तों नीम का तेल। आपको नीम के तेल की 2 चम्मच इसके अंदर ऐड कर लेनी है। ये एक और ये दोस्तों 2। आपको 2 चम्मच नीम के तेल की इसके अंदर ऐड कर लेनी है और इसे मिक्स कर लेना है। दोस्तों, ये दोनों ही चीज़ें आपके दाँत का खुजली को जड़ से ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। कपूर के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स को दूर करती है, ये आपके दाँत का खुजली को जड़ से ख़त्म कर देगी। और नीम का तेल बहुत ही कारगर होगा आपके दाँत का खुजली को जड़ से ख़त्म करने में, और इस तरीके से ख़त्म करेगा कि दोस्तों वो दोबारा कभी नहीं होगा उस एरिए पर। और तीसरी जो आखिरी चीज़ जो आपको इसके अंदर ऐड करनी है वो है गाइज डेटोल, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये आपको इसलिए इस्तेमाल करना है ताकि जो बैक्टीरिया पनपते हैं दाँत का खुजली पर वो दोबारा ना बने, और बैक्टीरिया नहीं बनेंगे तो दोस्तों आपके दाँत का खुजली का फैलने का कारण बनता ही नहीं है। आपको करना ये है कि आपको 1/2 चम्मच के बराबर डेटोल इसके अंदर ऐड कर लेना है। ये देखिए गाइस, मैंने डेटोल इसके अंदर ऐड कर लिया है, अब इसे मिक्स कर लेते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये देखिए गाइस, आपका नुस्खा बनकर तैयार हो गया। अब आपको इसको अपने उस पार्ट पर अप्लाई करना है जहाँ पे आपके दाँत खाद खुजली है। अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको चाहिए एक रुई, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आपको करना ये है कि आपको इसको उसके अंदर डिप करना है कुछ इस तरीके से, और देखिए दोस्तों जहाँ भी आपके दाँत खाद खुजली है वहाँ पर हल्के हाथों से मसाज करते हुए इसको रब करके लगा लेना है। दोस्तों, ज़्यादा मसाज नहीं करनी है, हल्के हाथों से बस इसे लगा लेना है रुई की सहायता से, हाथ से बिल्कुल भी टच नहीं करना है ताकि उसके बैक्टीरिया दोबारा से फैले नहीं। दोस्तों, आपको हफ्ते में कम से कम 3 बार इसे ट्राई करना है और आप देखेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप इसका बहुत अच्छा रिजल्ट अपने स्किन पर देख पाएंगे। आपकी दाँत खाद खुजली हो बिल्कुल ही जड़ से ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, आपको इसको कंटिन्यू ट्राई करना है, ये नहीं है कि आप इसे 1 दिन ट्राई करके 10 दिन बाद ट्राई करें, ऐसा इसे काम नहीं करेगा। दोस्तों, आपको 7 दिन में कम से कम 3 बार इसको ट्राई करना ही होगा। 3 बार ट्राई करने के बाद आप इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देख पाएंगे। बहुत ही नेचुरल चीज़ों का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, जो भी सामग्री हमने इसके अंदर इस्तेमाल की है वो आपके दाँत खाद खुजली को 100% जड़ से ख़त्म कर देगी, और दोस्तों उस एरिए पर दोबारा दाँत खाद खुजली होने का सवाल ही नहीं बनता है। सो गाइस, अगर आपको नुस्खा पसंद आया तो आप इसे ट्राई जरूर कीजिएगा, और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।